सरकार ने इंदिरा आवास योजना चलाई है ताकि गरीब लोगों को पक्का आवास मिल सके, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि कौशाम्बी जनपद के सिराथू ब्लॉक के मलाक सद्दी गाँव निवासी सीता देवी सहित कुल 10 लोगों का BPL सूची में नाम दर्ज होने के बाद भी आज तक इन सभी लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिल सका है, जिससे इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके पास खेती है? कुछ नहीं। परिवार में कितने लोग हैं आप? 4 लोग हैं। आपका घर कैसा है? हमारा घर गिरा पारा सब पारा है, बाहर रहते हैं। कॉलोनी आपको मिली है? जी नहीं मिली। कॉलोनी न मिलने से क्या दिक्कत है? अब कॉलोनी मिलने से जब कोई घर नहीं, द्वार नहीं, हम बाहर रहते हैं, कुत्ता आता है, कुत्ता भी हमारा खाना पीना सब नुकसान करता है, खा जाता है। जो ही तरह मांग जांच के लाते हैं लड़का लोग, उसको धरते हैं आकर के कुत्ता, उसको भी आटा पिसान दाल चावल सब नुकसान करके चले जाता है। क्या करें, कोई सुनाई भी नहीं है, ये प्रधान कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। प्रधान जी से जब आपने कहा था तो उन्होंने क्या कहा था? ये कह रहे हैं कि क्या करें, अब हम हमारे न बस की बात, हम किसको दें, सभी का तो गिरा पड़ा है। आपको आवास मिला है? कुछ नहीं मिला। आपका घर कैसा है? झोपड़ी। झोपड़ी होने से क्या दिक्कत है? झोपड़ी होने से है, बारिश होती है, पानी चूता है, सोने नहीं पाते, रात भर घर गृहस्थी सब भीग जाती। आवास पाने के लिए कोई प्रयास किए हैं आप? प्रधान से प्रयास करते हैं, लेकिन जब ना है, नहीं कहते हैं, यह नहीं है आवास तो क्या मिले। कच्चा आवास होने से कभी आपके साथ कोई हादसा हुआ है क्या? आग लगी है हमारे यहाँ। कब आग लगी थी? आग लगी 2 साल पहले। क्या हुआ था उसमें? जो कुछ नुकसान हुआ था, कुछ बचा था, हम लाइन लगावे गए रहने, मजदूरी करे गए रहने, घरों में नहीं रहे, छोटी बच्ची थी, रोटी बना रही थी, आग लग गई बच्ची से, तो लोग बाग दौड़ करके आए, जो कुछ बचा टोला मोहल्ला के तो बचाया, जो कुछ जल गया तो जल गया। रहने की जमीन भी नहीं है, घर द्वार भी नहीं है, ना आवास है, ना कोई चीज़ है। कई बार प्रधान जी से प्रयास किया इस चीज़ के लिए कि हाँ कम से कम आवास हो जाना चाहिए, पेंशन किसी तरह की बन जाना चाहिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। मैं 2-3 बार गया, पेपरबाजी किया, DM के पास गया कि ना वहाँ आवास हो रहे हैं, ना हमारे रहने की व्यवस्था है, ना आवास हो रहे हैं, ना हमारे लोगों को राशन मिल रहा है, कोई चीज़ की व्यवस्थाएँ नहीं है, लेकिन आज तक वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुई। आपके जैसे यहाँ कितने लोग हैं जिनको आवास? कम से कम 200 लोग हैं सर। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि सिराथू ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94546 45 75 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्या हल कराई जा सके। मैं महेश कुमार, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।